तेरी ऐसी की तैसी पनू, आप बहस कर मेरे से, हार जाऊं कभी खालिस्तान की बात नहीं करूंगा। कोई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को चैलेंज करना चाहता हूं पन्नू के ऊपर, कोई भी मेरे से बहस कर ले, आतंकवाद पे मुद्दे पे बहस कर ले। ये भूमि शरीफ लोगों की धरती, ईमानदार लोगों की धरती, हमारे लिए आप आदर्श हैं हिमाचल के लोग। यहाँ आके को धमकी दे दे तिरंगे झंडे के ऊपर हम घर में बैठ जाएं, ये हिमाचल ये हिंदुस्तान का हिस्सा है और इसकी तरफ को आंख उठा के नहीं देख सकता। मैं बात करने आया हूं ISI का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट, चाइना के टुकड़ों पे पलने वाला, पाकिस्तान ISI के टुकड़ों के पलने वाला, जो हमारे जवानों को शहीद करते हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे हिमाचल की धरती के जवान हो, फौज में हो, चाहे वो CRPF में हो। हम पन्नू को चैलेंज करने आया हूं। अब मैं राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों से बहस करूंगा? चैलेंज हमें आतंकवादी ने किया है, चैलेंज हमें पन्नू ने किया है, मैं जानता हूं उसको अच्छी तरह, वो कितने पानी में है। और आज राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करेंगी, ये ड्रामा है। दिल्ली में लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ तो मोदी जी ने करा दिया। अरे आपकी पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई आप 100 बार लड़ो, पर तिरंगा झंडा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है। जब वाघा बॉर्डर के ऊपर हम देखते हैं, वो जलवा देखते हैं BSF का, तिरंगे झंडे का ऊपर खड़ा होता है, वो तिरंगा झंडा देखो, हम नीचे खड़े हैं, वो कुदरती हाथ गया, वो तिरंगा झंडा हम नीचे खड़े हैं। वाघा बॉर्डर में कैसे सलूट दिया जाता है, कैसे जोश आता है। और राजनीतिक पार्टियां कुछ भी बोल देंगी, कोई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को चैलेंज करना चाहता हूं पन्नू के ऊपर, कोई भी मेरे से बहस कर ले, आतंकवाद पे मुद्दे पे बहस कर ले, बोलने के वक्त 20 बार सोचे। जो इस वक्त तिरंगे झंडे के ऊपर ऐसी राजनीतिक बयान गंदी देता है, वो मुल्क के साथ गद्दारी करता है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे के साथ अपमान करता है। मेरे ऊपर पहला बम कब चला, 14 बार हमले हुए, जब बिंडरा वाले ने कहा था तिरंगा झंडा बिट्टा लहराएगा तो बम्बों से उड़ा देंगे, 82-83 की बात है, शरीर पे बम खाए, तिरंगा झंडा लहराया और जहां जहां तिरंगे झंडे की बात होती खड़े हो जाते हैं। मुझे कोरोना हुआ था, मैं निकलता नहीं हूं, पर जहां तिरंगे झंडे की बात आई, और देवभूमि शरीफ लोगों की धरती, ईमानदार लोगों की धरती, हमारे लिए आप आदर्श हैं हिमाचल के लोग। यहां आके को धमकी दे दे तिरंगे झंडे के ऊपर हम घर में बैठ जाएं, ना चीफ मिनिस्टर साहब, ना कोई राजनीतिक पार्टी, ना पुलिस का, ना प्रशासन, किसी की जिम्मेदारी नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसको मैं लेता हूं, मैं चैलेंज करता हूं। मेरी कोशिश होगी मैं आके 15 अगस्त में चाहे 20 लोगों मैं तिरंगा झंडा ले रहा हूं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी से आज आपने मुलाकात की, क्या विषय? नहीं, उनको मैंने यही अपनी तरफ से कहा, जहां जहां भी सरकारी तिरंगे झंडे लहराए जाएं, या सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर, कोई SSP साहब की बिल्डिंग है, जैसे कलेक्टर की, ऐसे तिरंगे झंडे वहां उस दिन हिफाजत रखी जाए। हिफाजत का मतलब ये नहीं कि वहां फोर्स ही लगा दी जाए, दहशत फैल जाए, वहां अकेला तिरंगा झंडा हो, एक भी कोई लुच्चा बदमाश किसी को 200 रुपया दे के, 1000 रुपया दे के तिरंगे झंडे का अपमान कर दो, इंटरनेशनल न्यूज हिमाचल की बन गई कि हिमाचल के अंदर देखो जी तिरंगे झंडे का अपमान हो गया। कुछ होने वाला नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि यहां आके कोई दुकानदारी चलाने की कोशिश ना करे, ये शांति की धरती है, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे सिर्फ हर गल से उस दिन तिरंगा झंडा निकले और ये बता दें कि ये हिमाचल ये हिंदुस्तान का हिस्सा है और इसकी तरफ को आंख उठा के नहीं देख सकता। सर, हिमाचल के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हिमाचल के लोगों को, अपने भाइयों बहनों को मैसेज दूंगा, हर घर से तिरंगा झंडा निकले, छोटा हो बड़ा हो, तिरंगा झंडा निकले और तिरंगे झंडे की हिफाजत करे, यही है ना। हमको प्रोटेस्ट करेंगे ना, किसी का पुतला जलाएंगे ना, को फोटो पॉलिटिक्स होगी, मेरी भी कोशिश होगी, अगर प्रशासन ने इजाजत दी मैं भी तिरंगा झंडा लहराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, MS बिट्टा की जिम्मेदारी, मैं हिंदुस्तान का हूं, मैं पहले एक भारतीय हूं, ये मेरा कर्म है, सारे अपना अपना कर्म करें, मैं अपना निभाऊंगा, ये मैं अपने पे लेता हूं, छाती ठोक के लेता हूं, चैलेंज करता हूं पन्नू को, कभी भी बहस कर ले खालिस्तान के मुद्दे पे। खालिस्तान का मतलब क्या है? क्या हिमाचल के अंदर जो गुरुद्वारा साहब है, क्या वहां पासपोर्ट के जरिए जाना चाहता है, हमें ले जाना चाहता है? क्या दिल्ली के अंदर बंगला साहब, रकाबगंज साहब, शीशगंज साहब, क्या हम पासपोर्ट के जरिए जाएंगे? क्या पटना साहब, गुरु गोबिंद सिंह जी का स्थान, क्या पासपोर्ट के जरिए जाएंगे? क्या नदेड़ साहब,
गुरु गोविंद सिंह जी का आखिरी स्थान, क्या वहां पासपोर्ट के जरिए जाएंगे? क्या गुजरात के अंदर लखपत गुरु नानक देव जी का गुरु पासपोर्ट के जरिए ये खालिस्तान बनाना चाहता? तेरी आशी की तैसी बनू, आप बहस कर मेरे से, हार जाऊं कभी खालिस्तान की बात नहीं करूंगा, अगर जीत जाऊं तो कभी खालिस्तान का नाम मत लेना, क्लियर बात है। इसका मतलब जितने भी हिंदुस्तान से सिख समाज है, हमारे चलो पूरे देश में, क्या वो अपने कारोबार छोड़ के वहां आ जाए? कि हमारे पंजाब के पास इतनी बड़ी धरती है, भूखे नंगे पाकिस्तान के साथ मिलके हम देश को चलाना चाहते हैं? हिंदुस्तान के अंदर हमारे गुरु साहबानों ने कुर्बानी दी, भगत सिंह जी ने कुर्बानी दी, गुरु गोविंद सिंह जी ने कुर्बानी दी, उस कुर्बानी का तो मजाक उड़ाते हो। खालिस्तान का मतलब बता रहे, खालिस्तान का मतलब, खालिस्तान मतलब क्या? मतलब ये कि हिंदुस्तान के सिख पंजाब में आ जाओ और हिमाचल साहब और जहां भी जाना है गुरुद्वारा साहब पासपोर्ट लेके जाए। अरे ननकाना साहब आगे हमारा दूर कर दिया, करतारपुर साहब पासपोर्ट के जरिए, अब यहां भी पासपोर्ट के जरिए भेजना, पंजाबी में सीधी सी बात है, इसको खालिस्तान कहते हैं। पूछ ले हिंदू पंजाब के बाद सिखों को, क्या वो खालिस्तान चाहते? इसकी कोई औकात ही नहीं, हम इसको अहमियत दे रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रेस के लोगों को, मेरे भाइयों, जो इसके ऊपर राजनीति करता है कि ये ड्रामा है, ये फलाना है, उनको आप सवाल चार जरूर पूछो, नहीं तो मेरे से लाइव ले लो, कोई भी हो किसी लाइव ले लो, ला उनको मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, या दोबारा कभी आपके चैनल में बात भी कर देंगे मुझे पकड़ लेना। हमें पता तिरंगे झंडे का क्या, इनको क्या, इन्होंने तो पॉलिटिक्स करनी, वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।